अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। आज की वीडियो में मैं एक ऐसी एप्लीकेशन लाया हूं जिसकी मदद से आप प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। जी हां, आप प्रोफेशनल लोगो बना के लोगों को हैरान कर सकते हैं और अपना लोगो ख़ुद बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो आए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जी मैं सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ऊपर सर्च बार पे क्लिक करूँगा और वहाँ पे लिखूँगा डिज़ाइन ईवीओ, डिज़ाइन ईवो। लिखने के बाद मैं जस्ट सर्च वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। तो जस्ट मैं इस एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो आप जल्दी से इसे इंस्टॉल कर लें। तो नीचे जाके इसके स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और इसमें इस एप्लीकेशन की मदद से हम प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं और लोगो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें 35,000 प्लस आपके पास यहाँ पर लोगो मौजूद हैं इसमें। तो जस्ट आप इसे जल्दी से इंस्टॉल कर लें। तो मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, तो मैं बैक चला जाता हूँ। बैक जाने के बाद अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाऊँगा जहाँ पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हुई है। तो जस्ट मैं इसे ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लें बहुत ही अच्छे कमाल के लोगो मौजूद हैं। और आगे जाते जाएँ आपको हर कैटेगरी की अलग अलग लोगो मिल जाएंगे और प्रोफेशनल लोगो मिलेंगे। और अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी मौजूद हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पॉपुलर कैटेगरी में जाता हूँ और आपको नीचे लेके जाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड, तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे लोगों के हर कैटेगरी के आ जाएंगे। तो आप अगर ये पैसों से ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से ख़रीद कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट मैं अब आपको एक कोई पहले वाला लोगो है उस पर क्लिक करके और अपना लोगो बना के दिखाता हूँ किस तरह बनाते हैं। तो जस्ट मैं ये जो टाइगर वाला लोगो है तो इस पर क्लिक करूँगा और ये ओपन हो जाएगा। जी ओपन करने के बाद लोगो के नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसको मैं चेंज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे अपना टेक्स्ट दे दूंगा। तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद फिर दोबारा इस पर क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट काट के यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ। तो आप अपने कुछ भी दे सकते हैं। तो देने के बाद मैं जस्ट ऊपर टिक वाले निशान पर कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट सेव हो चुका है, लोगों के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे आप इसको छोटा बड़ा करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे और भी अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो कुछ भी दे सकते हैं और उसके साथ साथ अपने टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे, कोई भी आप फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं। तो मैं एक कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको कलर चेंज करके दिखाऊंगा। जस्ट आपने दरमियान वाला कलर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कलर आ जाएंगे, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आगे तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है, एक बड़ा है या एक छोटा, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आप स्पेलिंग जो लिखे हैं ABC उनके दरमियान भी स्पेस बढ़ा सकते हैं और उसके नीचे जो है उसको आप मुख्तलिफ़ शक्लों में दे सकते हैं। जी उसके बाद ऊपर आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा वो कॉपी हो जाएगा। तो अगर आप कॉपी मुतलिफ करना चाहते हैं तो कॉपी बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे जो ग्राफिक वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है दरमियान में, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कैटेगरी में मुख्तलिफ शेपें मिल जाएंगी। तो आप अपना लोगो इन शेपों में से अगर ढूंढ के कोई बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ शेपें यहाँ पे हर किस्म की मुख्तलिफ हैं। उसके बाद बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड पे कोई फ़ोटो लगा के भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और उसके बाद मैं सेव करना बताऊँगा। तो सेव करने के लिए आपने जस्ट ऊपर जो ब्लू कलर का आइकन बना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहां से सेव
वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका लोगो सेव हो जाएगा। तो आपके मोबाइल में लोगो, आपका प्रोफेशनल लोगो सेव हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो में तले कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।